वेलकम टू द गुड होम शो। अब तक तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि अगर आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें तो घर का नक्शा ही बदल जाता है। और द गुड होम शो में हम किसी ऐसे घर की कल्पना तो नहीं करते जो आप सिर्फ टेलीविजन पर ही देखें। वी मेक श्योर यू कैन टर्न इट इनटू रियलिटी। अनु बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आज का एपिसोड ही देखिए। सबसे पहले खाने की मेज को सजाने के कुछ इनोवेटिव आइडियाज, और उसमें खर्चा भी बिल्कुल नहीं है। सजे हुए मेज पर खाने का मजा ही दूसरा है। और इसके बाद दिखाए जाएंगे टेबल लिनन के कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शन। अनु, अब वो जमाना गया जहाँ सिर्फ सफेद कैंडल्स मिलती थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था अगर बिजली चली जाए। अब तो तरह तरह की कैंडल्स अवेलेबल है मार्केट में जो आपके घर के डेकोर का हिस्सा बन चुकी हैं। और हमेशा की तरह आज भी मजेदार खाना बनेगा, लेकिन एक फर्क है, कुकिंग माइक्रोवेव में की जाएगी। साथ ही साथ कलरफुल क्रॉकरी पर एक अपडेट भी। सबसे पहले घर को सजाने की कुछ बातें। कुछ बातें नहीं कामया, बहुत सी बातें। कलरफुल कैंडल्स, टेबल लेइंग एंड ऑफ कोर्स टेबल लिनन के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टेबल लेइंग के आजकल बहुत नए नए तरीके हैं। चाहे कलरफुल लिनन यूज कीजिए या फिर प्लेट्स को ही इनोवेटिवली अरेंज कर लीजिए, और लुक कंप्लीट करने के लिए यूज कीजिए कलरफुल कैंडल्स एंड फ्लावर्स। टेबल लेइंग इज एन आर्ट, ऑलमोस्ट एज इंपॉर्टेंट एज द आर्ट ऑफ कुकिंग। तो आज हमें इरम सुल्तान बताएंगे कि टेबल लेइंग में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। थैंक यू अनु। टेबल लेइंग में सबसे जरूरी चीजें हैं कि आपके पास अच्छी टेबल लिनन होनी चाहिए, अच्छी क्रॉकरी होनी चाहिए और अच्छी कटलरी होनी चाहिए। उसको आप और बहुत सारी चीजों के साथ एक्सेसराइज भी कर सकते हैं। अगर आप टेबल लिनन देखेंगे तो आजकल हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आ गए। दिस इज मेड ऑफ सैटन, व्हिच इज अ फैब्रिक जो आप एसेंशियली विंटर्स में यूज कर सकते हैं। और ये फैब्रिक की जो पूरी डिजाइन है, इस पे बीड वर्क हुआ हुआ है। ये बीड वर्क ऐसा है कि शाम के लिए बहुत अच्छा रहता है। और शाम को आप इसलिए किसी क्रॉकरी के साथ कंबाइन कर सकते हैं जिसमें व्हाइट हो या सिल्वर हो, क्योंकि उसे बहुत स्टैंड आउट करेगा। अगर आप एक और देखेंगे साथ में ही, ये वाला टेबल क्लॉथ जो है ये भी एम्ब्रॉयडर है और ये मशीन की एम्ब्रॉयडरी है। इसमें इसकी मेंटेनेंस जो है बहुत आसान है। इसको आप वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं। ये कलर लाइट है, इसलिए इसको अगर आप दिन में यूज करें या लंचेस के लिए वुड लुक वेरी नाइस। और सैटिन का फील जो है वो बहुत अच्छा रहता है विंटर्स के लिए, क्योंकि थोड़ा इसका लग्जोरियस जो लुक होता है वो वार्मथ ला देता है आपकी टेबल लेइंग में। समर्स के लिए ज्यादा प्रेफर मटेरियल होगा ऑर्गेंडी, और ये हैंड पेंटेड है। एक बार जब ये आयन हो जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके ऊपर आप आयन कर सकते हैं, कलर नहीं उतरेगा। इसके ऊपर आप पीछे से आयन करें। इसके साथ आप कलरफुल प्लेन प्लेट्स यूज कर सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, अगर आप मिक्स एंड मैच कर दें और साथ में कलरफुल ग्लासेस लगा दें तो इट वुड बी वेरी ब्राइट। समर के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये एक और ऑर्गेंडी का टेबल क्लॉथ है। समर्स में फ्लावर्स की जो फीलिंग आती है वो बहुत सुंदर लगती है। It's just the right motif also for summer. The other fabric which also you can effectively use in both summer and winter, वो है cotton. Okay. काफी sturdy material होता है। बहुत sturdy material होता है। इन सब के साथ matching accessories आती हैं, जैसे placemats, napkin, matching accessories के साथ ये बहुत सुंदर लगते हैं। It's lovely. You're right. And now for some innovative ideas on table laying. Irum, this is looking so beautiful. मुझे लगता है तुम प्लेट कहीं भी रख दोगी, अच्छी लगेगी। Thank you, Anu. That's very nice of you to say so. लेकिन प्लेट जो है अपनी जगह पे जानी चाहिए। हमने इस सेटिंग में ये किया है कि सनफ्लावर की सेटिंग होने की। ये सेटिंग हमारे पास जो टेबल क्लॉथ है थोड़ा छोटा था। अच्छा। हमने क्या किया, उसको छुपाने के लिए हमने उसके नीचे एक पीले कलर की बेडशीट डाली। और जब हमने टेबल क्लॉथ उसके ऊपर डायगनली डाला तो डायगनली लग के बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और सुंदर लग रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हमने वाज ढूंढा तो वाज नहीं था हमारे पास मैचिंग कलर का, तो हमने क्या किया, हमने एक जग ले लिया, वाटर जग। इंटरेस्ट ऐड करने के लिए हमने उसके चारों तरफ एक कैंडल्स का सर्कल बना दिया। इनमें ऐसी सेटिंग बहुत सुंदर रहेगी। लेकिन शाम के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ये सारी कैंडल्स हटा के हम एक और एक एक इंडिविजुअल प्लेस पे एक इंडिविजुअल कैंडल लगाएं उसके मैचिंग कैंडल स्टैंड में। अब जैसे अब ये टेबल सेटिंग हम देखते हैं, ये हमने प्लेस मैट लगाया, उसके ऊपर एक डिनर प्लेट, दैट्स अ नाइस ब्राइट कलरफुल प्लेट, यस ब्यूटीफुल, और साइड प्लेट उसी के ऊपर रख दिया। ओके। नॉर्मली इन अ कन्वेंशनल टेबल सेटिंग साइड में रख देते हैं, लेकिन हमने सोचा कुछ डिफरेंट करेंगे। अच्छा। मैचिंग नैपकिन लिया, नैपकिन को सिंपली फोल्ड करके, ठीक है, इसके साथ मैचिंग नैपकिन रिंग्स भी आते हैं। आजकल इतनी वैरायटी है क्रॉकरी की कि उसके साथ सारे मैचिंग कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाते हैं। और
एंड में हमने जो चाहा या तो हम साइड में स्टैक कर सकते हैं अपनी कटलरी या हम कटलरी प्लेट्स के ऊपर भी स्टैक कर सकते हैं. अच्छा, एक तो हमने एक मैचिंग कोस्टर ले लिया और फिर कलर के लिए हमने एक जिंगी लुकिंग ब्लू रंग का ग्लास लगा दिया. वेरी क्यूट. दिस सेटिंग इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर अ डे but in winters you can even use it for the evening because isme khub rang aa jata hai. Yeah, it's a very bright and cheerful. Yeah, Irum, what do I say, this is equally beautiful, so lovely and unusual. Iske bare mein bataiye. This is a look which is very natural. Ye bahut natural hai aur isme humne kya kiya hai, humne koi table cloth ya koi bhi kapda nahi use kiya. Humne ek crumple kiya hua paper liya isme. Ha, to ye paper ko humne table cloth bana liya. Colors jo humne rakhe sare isme natural earth tones rakhe. Iram, it's all looking really beautiful, मगर एक बात समझ नहीं आया, आपने ये पेपर क्यों यूज़ किया? अनु, इसके तीन रीज़न हैं. एक तो ये कि ये आपका इस्तेमाल हुआ, इस पे कोई स्टेन्स पड़े आपको डरने की क्या बात है, आपने इसको रोल किया और फेंक दिया. ओके. दूसरे, ये बहुत इकोनॉमिकल है. और तीसरे, ये बहुत इजीली अवेलेबल है. ओके. हमने क्या किया, एक वाज लिया बिल्कुल प्लेन ग्लास का. अच्छा. उसमें हमने मार्बल्स जो कंचे होते हैं वो डाले. लवली. या इसके साथ दो तरह के टेबल मैट यूज कर सकते हैं. ओके. आप ये देखिए, एक तो ये जूट का टेबल मैट है. या. और मैचिंग नैपकिन. ठीक है. और ये दूसरा केन का. ओके. टेबल सेटिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक कोने पे हमने एक पाइन कोन रख दिया. ओके. कोन टेबल क्रॉकरी से हम थोड़ा कलर्स लाएंगे. ग्रीन, व्हिच इज अगेन अ नेचुरल कलर. अब हम क्या करेंगे, अपने नैपकिन को ये एक और क्रम्पल पेपर हमने लिया है इससे टाई कर देंगे. प्लेट पे आपने एक सिंगल स्टॉक डाल दिया. That's very nice. क्योंकि हमारी पूरी लुक कैजुअल है इसलिए क्रॉकरी जो है बस साइड में रख दी, कुछ ज्यादा अरेंजिंग नहीं हमने की. अच्छा. एज अ फाइनल टच हमने क्या किया, हमने सारी अपनी कैंडल्स जला दी. बहुत कलरफुल है, ब्राइट एंड चीयरफुल. अनु, दिस इज अ फन सेट. या. ओके, व्हाट वी हैव डन इज हमने शिमला मिर्च ली, उसके ऊपर से जो उसकी डंडी होती है वो काट दी, स्कूप आउट किया और उसके अंदर एक एक कैंडल लगा दी और चारों तरफ हमने चिली लगा दी. ये जो हमारी प्लेट है ये आप देखेंगे इसमें चिली बनी. दैट्स वेरी क्यूट. तो ये हमारी पूरी चिली थीम है, ऑल चिली 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 कलर. ये हम बहुत कैजुअल रखते हैं. तो जैसा कि आपने देखा, इरम हैज यूज्ड अ लॉट ऑफ कैंडल्स because candles give a lovely ambiance to your table setting. So let's go and take a look at some interesting candles. Candles ki halki roshni mein to shayad kuch jadoo hi hai. Ye jahan jalti hain ujjal ki baat hi kuch aur ho jati hai. The soft romantic glow of candlelight is almost magical. Aur aajkal candles milti hain alag alag size aur shape aur rangon mein. So le aaiye candles ki colorful assortment and see how they transform your life. Candles. क्या कैंडल्स का नाम सुनके आपको वो पुरानी सफेद मोमबत्तियों की याद आती है जो आप जलाते थे जब बिजली चली जाती थी? Well, you can forget about all that now. So candles have acquired a totally new look. जितने कलर्स उतने ही अलग अलग डिजाइन और साइज. You can choose what you like. ये है पिलर कैंडल और ये अलग अलग साइजेस और कलर्स में आती है. So try out an uneven arrangement. It looks wonderful. And as you can see, these are round candles. Inko aap aise hi jalaiye ya wrought iron stands mein daliye. Ye hai tapering candles aapke dining table ke liye. Plain hai aur twisted bhi, haan, they're lovely. And these are perfume candles. Vanilla se leke fine essence tak. और ये परफ्यूम ऑयल लैम्प, बॉटल में रखी परफ्यूम और ऊपर ये फ्लिकरिंग लाइट. इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? पुराने जमाने में बिजली पे आने से पहले या डिस्कवर होने से पहले कैंडल्स या ऑयल लैम्प्स से ही लोग अपने घर में रोशनी लाते थे. मगर आज हम ये कह सकते हैं कि कई सालों के बाद कैंडल्स की एक नया रूप आ गया है. कैंडल्स अब घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है.
पर दिए जलाना तो एक पुरानी परंपरा है और अब इन सुंदर फ्लोटिंग कैंडल्स और फूलों के साथ आप दे सकते हैं उस पुरानी परंपरा को एक नया रूप। Candles are creative and inspirational in nature. They create light and bring a glow into people's homes and into people's hearts. तो जलाइए कुछ कैंडल्स और देखिए उनका जादू। आप घर का कोई भी कोना सजा सकते हैं इन रंगीन कैंडल्स से। और जैसा कि आपने देखा कैंडल्स ही नहीं लेकिन टेबल लेने की भी कितनी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्रॉकरी तो आप रोज चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन कभी कभी अपनी टेबल लेने चेंज कर दें तो आपके डाइनिंग टेबल की डेकोर जरा डिफरेंट लगने लगेगी। माइक्रोवेव भी क्या कमाल की चीज है, उसमें आप खुद की झट डालें फट निकालें। कुछ ही हफ्ते पहले हमने आपको माइक्रोवेव की मेंटेनेंस के बारे में बताया था, आपके हमें खत मिले और आपकी फरमाइश थी कि माइक्रोवेव रेसिपीज दी जाए, तो आपकी फरमाइश के मुताबिक आज हमने बुलाया है डैनी बेक को जो कुकरी क्लासेस लेती है, ओरिएंटल खाने में माहिर है और उनकी बहुत ही मशहूर कुकरी बुक है किचन ऑन आइस। सो डैनी टेल अस, आप सबसे पहले क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम चिकन डाइस बनाएंगे, उसके अंदर पाइनएप्पल सेलरी और कैप्सिकम डाल के। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले आप चिकन लीजिए, उसमें अदरक और लहसुन आधा चम्मच डाल के उसको आधा घंटा मैरिनेट कर दें और उसके बाद आप एक सॉस बनाएं, उसमें आधा कप पानी लें, फिर उसमें आप विनेगर लें एक टेबलस्पून और दो टेबलस्पून आप टमाटो सॉस लें जैसे ये, और इसको जल्दी से खोल लें और फिर दो टेबलस्पून चीनी डालेंगे इसके अंदर और दो टीस्पून करके कॉर्नफ्लावर और नमक। ये आपकी सॉस बन गई। अब आप इसको क्या करेंगे, इसमें दो टीस्पून ऑयल डाल देंगे हम चिकन के अंदर। दो टीस्पून ऑयल डाल के इसको हिला देंगे और इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट तक लगा देंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव खोलेंगे और ढक्कन लगा के इसको 2 मिनट के लिए हम माइक्रोवेव करेंगे। ये पक जाए तो इसमें सॉस मिलानी है। इसमें सॉस मिलानी है, इसके अंदर आप सॉस डाल दें। रखिए कि माइक्रोवेव कुकिंग में हर एक चीज छोटी छोटी कटनी होनी चाहिए, क्योंकि आप बड़ा काटेंगे तो फिर आपका टाइम बहुत लगेगा पकने में, उतना टाइम लगता है ना। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसमें ये सब्जियां डाल देंगे। डालिए, ये सब्जियां जो है आप पका भी सकते हैं और कच्ची भी डाल सकते हैं। हाँ, पर कच्ची खाने में ये ज्यादा पौष्टिक होती है तो इसलिए देखिए ये तैयार हो गया। आप इसको मिला दें। चिकन डाइस बनाने के लिए आपको चाहिए बोनलेस चिकन आधा केजी, विनेगर 1 बड़ा चम्मच, टमाटो सॉस 2 बड़े चम्मच, चीनी 2 बड़े चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 छोटे चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, तेल 2 छोटे चम्मच, हरी मिर्च कैप्सिकम गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले चिकन के छोटे पीसेस लें और मैरिनेट करें अदरक लहसुन और तेल में करीब आधे घंटे के लिए। इसके बाद सॉस बनाएं। पानी में 1 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 2 चम्मच चीनी और 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर और नमक स्वाद अनुसार मिला दें। सॉस तैयार है। चिकन में 2 छोटे चम्मच तेल डाल दें, ठीक से हिलाकर माइक्रोवेव में 2 मिनट तक रख दें। 2 मिनट के बाद चिकन में सॉस ऐड करें, 1 मिनट और पका दें, हरी मिर्च और कैप्सिकम से गार्निश करें। अब कामिया, मैं चिकन के बाद आपके लिए गोभी बनाने वाली हूँ। बताने, ये गोभी तो आप स्टोव पर बना रही हैं? हाँ, क्योंकि देखिए गोभी बनने का टाइम जब आप वैसे बनाते हैं तो 20 मिनट लगता है और बहुत सारा तेल लगता है। अभी मैं आपको गोभी 3 मिनट माइक्रोवेव में बनाऊंगी और 2 मिनट स्टोव पर बनाऊंगी और आपकी गोभी तैयार हो जाएगी। हाँ,
अब पानी जरूरी होता है पर ज्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए और खाली स्प्रिंकल करना चाहिए नहीं तो कुकिंग टाइम ज्यादा हो जाता है। अच्छा। देखिए मैं कैसे इसे आप डालेंगे 3 मिनट के लिए जी और इसमें आप 3 छोटे चम्मच तेल डाल दीजिए दैट्स ऑल बस उतने में हो जाएगी और फिर आप इसमें जरा सा गर्म हो जाए तो आप इसमें दालचीनी डाल दीजिए और फिर कटा हुआ ये अदरक के लच्छे डाल दें और जरा सी हल्दी डाल दें और इसके कामिया अब मसाला तैयार है आप जाके गोभी ले आइए फिर अब इसमें डाल दीजिए गरम है काफी आप मुझे दीजिए मुझे आदत है आपको बस देखिए अब इसमें हरी धनिया डाल देंगे हरी मिर्च डाल दें और ये जो जीरा और मोटी इलायची का पाउडर है ये भुना हुआ जीरा है या जीरा नहीं खाली जीरा और मोटी इलायची इकट्ठी पीसी हुई है और इसको सुंदर लगने के लिए ये लाल मिर्च डाल देंगे बस देखिए तैयार हो गया वेरी नाइस एंड द कलर इज सो प्रिटी बहुत ही सुंदर झटपट गोभी बनाने के लिए आपको चाहिए गोभी आधा केजी तेल 3 छोटे चम्मच दालचीनी 2-3 पीस चॉप्ड अदरक 1 छोटा चम्मच हल्दी आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच मोटी इलायची 2 लाल मिर्च गार्निशिंग के लिए झटपट गोभी बनाने के लिए सबसे पहले गोभी को थोड़े से पानी से स्प्रिंकल करें अब माइक्रोवेव में 3 मिनट रखें इतनी देर तक एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें तेल गरम होने पर उसमें दालचीनी अदरक और जरा सी हल्दी ऐड करें गोभी को माइक्रोवेव से निकाल कर पैन में डाल दें और अच्छे से मसाले में मिक्स करें जीरा मोटी इलायची और लाल मिर्च डालें गोभी तैयार है माइक्रोवेव में खाना बनाने वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है खाना बनाने के बाद कुछ देर खाने को ओवन में ही रखें माइक्रोवेव ऑफ होने के बाद भी खाना पकता रहता है इसे स्टैंडिंग टाइम कहते हैं माइक्रोवेव में छोटे टुकड़े बड़ी जल्दी पक जाते हैं खाना पकते समय खाने को हमेशा कवर करें अपने माइक्रोवेव को हमेशा साफ रखें माइक्रोवेव खाना ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स रिटेन करता है खाने को फ्रिज में से डायरेक्टली निकालकर माइक्रोवेव में ना पकाएं थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रखें फिर माइक्रोवेव में कुक करें तो देखा तुमने अनु माइक्रोवेव में भी वही सब रंग बिरंगा खाना बन सकता है जो हर दिन बनता है और झंझट बहुत कम तो अगर खाने की बात हो ही रही है तो चलिए देखते हैं कलरफुल क्रॉकरी पर एक क्विक अपडेट क्योंकि क्रॉकरी अगर देखने में अच्छी हो तो खाने का मजा कुछ और ही हो जाता है कलरफुल क्रॉकरी Greens, yellows, reds, there is no end to it. Jitni colorful aapki imagination, utni colorful aapki crockery bhi. Mugs ho, ya phir cups or saucers, ya phir aapki plates. There is color everywhere. Times have changed and like they say, they've changed for the better. Pehle zamana tha in boring white plates ka. Lekin ab time aa gaya hai for these lovely colorful plates. Na sirf ye colorful hain, par inke designs and motifs bhi bahut interesting ho gaye hain. फ्रूट्स और फ्लावर्स से लेके इनफैक्ट वेजिटेबल्स एंड चिलीज भी आप पाएंगे अपने प्लेट्स और कप्स में सो फ्रॉम द गुड होम शो बन एपेटाइट तो क्या आपको बोल्ड येलो पसंद है क्या फिर एक्वा ब्लू पे बने ये खूबसूरत फूल यू कैन इवन एक्सपेरिमेंट विद सम चिलीज ऑन योर प्लेट एंड फॉर दोस ऑफ यू हु डोंट वांट टू बी टू एक्सपेरिमेंटल यू कैन ट्राई दीस स्लाइटली सोबर येट वेरी फन ब्लू एंड व्हाइट पॉल्का डॉट्स आप सोच रहे होंगे कि ये एक सूप का बोल है पर एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल कैपुचिनो कॉफी कप एक ब्राइट ब्लू टी कप मच बेटर देन योर कन्वेंशनल वाइट स्टफ इजंट इट हम चाहते हैं कि इन कलरफुल प्लेट्स वाइब्रेंट मग्स और कप्स के साथ बने आपकी क्रॉकरी कलेक्शन और भी ब्राइट और रंगीन सो गो अहेड एंड ट्राई सम सो आर दे ब्यूटीफुल I'm sure इसको देखने के बाद आपका मन कर रहा होगा कि अपनी पुरानी क्रॉकरी को जल्दी बदल डालें। So, what are you waiting for? तो कैसी लगी आपको ये कलरफुल क्रॉकरी?
ये जरूरी तो नहीं कि आप सब कुछ एक साथ ही खरीद लें। हाँ, क्योंकि घर तो धीरे धीरे बनता है, सजता है, कभी कुछ खरीदा तो कभी कुछ, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट ऑफ कोर्स। पर सबसे जरूरी बात ये है कि ज्यादातर चीजें आप खुद ही करें। तो गुड होम शो का मकसद ही ये है। अगर आप हमसे कुछ जानना चाहें तो बिना संकोच के हमें जरूर देखिए। हमारा पता तो आप जानते ही हैं। द गुड होम शो, सेट इंडिया लिमिटेड, पीओ बॉक्स नंबर 1742, जीपीओ मुंबई 400001, इंडिया टीवीसी। कॉम्पिटिशन पोस्ट कार्ड पर ही लिखें। अगले हफ्ते इसी समय फिर मिलेंगे और इसी तरह बातें होंगी खाने पीने की और घर सजाने की। टिल देन, हैप्पी लिविंग।